अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू द स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म। व्यूअर्स, आज हम STS 630 रिसर्च मेथड्स के लेसन नंबर 23 को डिस्कस करेंगे, टूल्स फॉर डाटा कलेक्शन। इसके अंदर यहाँ पे तीन टूल्स की बात करें, डाटा कलेक्शन के तीन तरीके, इंटरव्यू है, क्वेश्चनियर और इंटरव्यू गाइड है। सबसे पहले तो हम इसके अंदर जो है इंटरव्यू को डिस्कस करेंगे, सॉरी क्वेश्चनियर को डिस्कस करेंगे। गाइडलाइंस फॉर क्वेश्चनियर डिज़ाइन। सबसे पहले तो क्वेश्चनियर होता क्या है? क्वेश्चनियर एक परफॉर्मा होता है जिस पर क्वेश्चन की लिस्टिंग की जाती है, जिनके मुताबिक सब्जेक्ट को जवाब देने होते हैं। ये वो इंस्ट्रूमेंट है जिसके ज़रिए मुख्तलिफ वेरिएबल्स को मैयर करते हैं। क्वेश्चनियर को बनाने में इसका हर स्टेप भी बहुत अहम है। वर्ड्स ऐसे इस्तेमाल किए जाते हैं जो कि आसानी से समझ आ जाएँ। इनकी तरतीब भी मैटर करती है, इनका पैटर्न, इनका लेआउट, अपीरेंस, ये सब चीज़ें भी बहुत अहम हैं। वट शुड बी आस्क्ड, पहली चीज़ है क्वेश्चनियर रेलिवेंसी, मतलब क्वेश्चनियर के अंदर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। इसकी प्रॉपर्टीज़ आप कह लें कि जनरल इसके अंदर ये बात की गई है। इसकी यहाँ पे 10 प्रॉपर्टीज़ बयान की गई हैं, इनको वन बाय वन डिटेल से देखते हैं। नंबर वन, क्वेश्चनियर रेलिवेंसी। सवाल सब्जेक्ट के रेलिवेंट होने चाहिए, इसके रिलेटेड होने चाहिए। अगर सवाल सब्जेक्ट के रिलेटेड ना हो, अगर इस पर एप्लीकेबल ना हो, तो हमारे क्वेश्चनियर का मकसद फुलफ़िल नहीं होगा। अगर शादी के मुतालिक सवालात पूछने हैं तो मैरिड और अनमैरिड दोनों तरह के लोगों से मुख्तलिफ तरह के सवालात पूछे जाएंगे। दोनों पर एक तरह के सवालात या क्वेश्चनियर एप्लीकेबल नहीं हैं। सवालात टॉपिक की जो है टॉपिक के रिलेवेंट होने चाहिए, जो टॉपिक जिस टॉपिक पर हम बात करें उसी के मुताबिक सवालात भी हों। क्वेश्चनियर एक्यूरेसी, क्वेश्चन वैलिड हों और रिलायबल हों, यानी इनमें दी गई इन्फो एक्यूरेट हो और जिस मकसद के लिए इसे बनाया गया है वो मकसद वो फुलफ़िल करें। नंबर थ्री, अवॉइड एम्बिगुइटी, कन्फ्यूजन एंड वेजनेस। सवालात में किसी किस्म की कन्फ्यूजन ना हो, ऐसे सवालात ना हो कि सब्जेक्ट के जहन को उलझा दें। सवालात बिल्कुल सादा और सिंपल हों, मसलन आपकी इनकम क्या है। अब ये एक वैसे तो देखने में तो बहुत सिंपल सवाल है, लेकिन इसके अंदर अगर किसी बंदे को जवाब देना हो तो वो कौन सी इनकम है, डेली इनकम है, मंथली है, सालाना है, यानी इस सवाल के ऐसे सवाल के एक से ज़्यादा जिसके मतलब ना निकलें, इस तरह का सवाल ना हो। दुरुस्त सवाल ये है कि आपकी माहाना इनकम क्या है या फिर आपकी सालाना इनकम क्या है। इस तरह पूछा जाए, मेंशन कर दिया जाए कि माहाना पूछा जा रहा है, सालाना या डेली या वीकली, तो जवाब देना निस्बतन आसान होता है। अवॉइड डबल बैरल क्वेश्चन। नंबर फोर, हमारे पास ऐसा सवाल ना हो जिसके अंदर एक से ज़्यादा सवालात हों, यानी डुअल बैरल या डबल बैरल क्वेश्चन वो होते हैं जिनमें एक स्टेटमेंट में दो या दो से ज़्यादा सवालात होते हैं। अवॉइड लीडिंग क्वेश्चन। नंबर फाइव, सवाल ऐसा ना हो जिससे जाहिर हो कि रिसर्चर किसी खास जवाब की तवक्को कर रहा है। ऐसा सवाल हो कि सब्जेक्ट फेयरली अपने लिहाज से इसका जवाब दे सके। मसलन, क्या आप सिगरेट पीते हैं, क्या आप नहीं पीते, सॉरी क्या आप सिगरेट नहीं पीते, क्या आप पीते हैं। इससे जाहिर हो रहा है कि रिसर्चर चाहता है कि जवाब हो के बंदा जवाब ये दे के वो सिगरेट नहीं पीता। क्यों, इस तरह का सवाल ना हो कि जिसके अंदर रिसर्चर जो है वो अपनी एक इस तरह जाहिर हो कि रिसर्चर एक मखसूस किस्म का जवाब आपसे चाहता है, जो सब्जेक्ट है उससे चाहता है। इस तरह का सवाल हो जिसके अंदर सब्जेक्ट जो इजीली ओपनली अपना जवाब दे सके। नंबर सिक्स है, अवॉइड लोडेड क्वेश्चन। लोडेड क्वेश्चन से ऐसे सवाल होते हैं जिनमें इमोशंस पाए जाते हैं, यानी कि ऐसे सवाल ना हो जो किसी इमोशन को हिट करें, किसी की ईगो को, किसी की रिस्पेक्ट को मुतासिर करें। नंबर सेवन है, अवॉइड बर्डनसम क्वेश्चन दैट मे टैक्स द रिस्पोंडेंट मेमोरी। ऐसे सवालात ना पूछें जिसके लिए सब्जेक्ट को बहुत ज़्यादा सोचना पड़े। बहुत पुरानी बात ना पूछें जो वो भूल चुका हो या उसे सही तरह याद ना हो। नंबर एट, अरेंज क्वेश्चन इन अ प्रॉपर सीक्वेंस। सवालात को तरतीब से लिखें, एक यूनिट की तरह तमाम सवालात एक टाइप के हों। ऐसा ना हो कि एक कुछ सवाल एक किस्म के हों और कुछ सवाल दूसरी किसी और किस्म के हों। नंबर नाइन, यूज़ फिल्टर क्वेश्चन इफ़ नीडेड। हर सवाल हर बंदे के रेलेवेंट नहीं होता, इसलिए सवालनामे में, क्वेश्चनियर में ये ऑप्शन होना चाहिए कि मुख्तलिफ तरह के लोगों के लिए मुख्तलिफ तरह के सवालात हों या इनको सेपरेट किया गया हो, ताकि जिसके मुतालिक जो सवालात हैं इनका वही जवाब दें। मसलन, आप बच्चों की परवरिश किस तरह करते हैं, यह सवाल मैरिड लोगों के लिए है, अनमैरिड लोगों के लिए नहीं है। लेआउट ऑफ द क्वेश्चनियर, इसमें ओवरऑल लेआउट और फॉर्मेट ऑफ क्वेश्चन शामिल है। ओवरऑल लेआउट के अंदर क्वेश्चनियर की अपीयरेंस शामिल है कि वो
अट्रैक्टिव हो, इसकी डिज़ाइनिंग अच्छी हो, जिस परफॉर्मर पर सवाल लिखे गए हों वो खूबसूरत हो, डिज़ाइनिंग में हो, मतलब इस तरह का हो कि उसकी जो है ना अट्रैक्ट हो, लोग देख कर उनका दिल करे कि सवाल पढ़ें, वो सवाल का जवाब दें। उसके अलावा दूसरी चीज़ है फॉर्मेट ऑफ क्वेश्चनिंग। क्वेश्चनिंग का जो फॉर्मेट है वो इस तरह का हो कि एक हेडिंग अच्छे तरीके से हेडिंग दी गई हो, सवालात की नंबरिंग अच्छी तरीके से की जाए, हर सवालात में सवाल में स्पेसिंग हो, जवाब लिखने के लिए मुनासिब जगह हो। व्यूअर, ये था आपका STS 630 का लेसन नंबर 23। आई होप आई मेड इट क्लियर। मिलते हैं जल्द ही अपने नेक्स्ट लेसन के साथ। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।